लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, चब्बेवाल विधायक आप में शामिल। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कारण, पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ दी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 54 वर्षीय चब्बेवाल ने होशियारपुर जिले के चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद छोड़ दिया। वे पंजाब विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी थे। बताया जा रहा है कि वह आपके टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रमुख दलित नेता का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका पार्टी में स्वागत कराया। चब्बेवाल एक हफ्ते के भीतर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले पंजाब के दूसरे कांग्रेस नेता हैं। बस्सी पठाना से कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी हाल ही में आप में शामिल हुए थे। पंजाब के मंत्रियों हरपाल सिंह चीमा और गुरमीत सिंह मीत हेयर की मौजूदगी में पत्रकारों से बात करते हुए चब्बेवाल ने कहा कि वह आप सरकार की जन समर्थक नीतियों, खासकर गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए इससे प्रभावित है। उन्होंने ये भी कहा कि आप सरकार डॉक्टर बीआर अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के रास्ते और आदर्शों पर चल रही है। आप सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है और इन क्षेत्रों में कई कदम उठाए गए हैं। उधर पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने चब्बेवाल की आलोचना करते हुए उन्हें अवसरवादी बताया। विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, उनसे ऐसे शर्मनाक कृत्य की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं पंजाब के लोगों से ऐसे दल बदलुओं को आगामी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने का आग्रह करता हूं। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, लोग अवसरवादी हो गए हैं। पार्टी में रहते हुए कांग्रेस ने उन्हें उचित सम्मान दिया। वह राज्य में कांग्रेस के उपनेता थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने आप सरकार पर कड़ा प्रहार किया था और कहा था कि पंजाबी कभी भी बेवफा लोगों का पक्ष नहीं लेते हैं। बता दें कि चब्बेवाल ने 2019 का लोकसभा चुनाव होशियारपुर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन भाजपा के सोम प्रकाश से हार गए थे। वह अतीत में विभिन्न मोर्चों पर आप सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि पंजाब बढ़ते कर्ज और नशीली दवाओं की समस्या सहित गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। पंजाब विधानसभा के हाल ही में आयोजित बजट सत्र में चब्बेवाल ने राज्य के बढ़ते कर्ज को प्रतीकात्मक तरीके से उजागर करने के लिए अपने सिर पर एक गठरी रखी थी। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।